Good morning, students. So today we will study EVS chapter 18. What is chapter 18? Clean water for all. यानी कि सबके लिए साफ पानी. Clean water का मतलब क्या होता है? साफ पानी. All का मतलब क्या होता है? सबके लिए. तो सबके लिए साफ पानी. Okay? So I am reading. Let's read topic. I am reading. Okay? The water used for drinking and cooking purposes is called potable water. यानी कि जो पानी हम लोग drinking पीने के लिए, cooking यानी कि पकाने के लिए जो use करते खाना पकाने के लिए और पीने के लिए जो पानी use करते वो कौन सा पानी होता है? उस पानी को हम क्या बोलते हैं? Potable water. पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है? ऐसा पानी, ऐसा वाटर जो हम ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? फ्रेश वाटर हैज टू बी प्योरिफाइड एंड मेड पोर्टेबल बिफोर इट इज सेंट टू अवर होम्स एंड अदर प्लेसेस फॉर यूसेज. फ्रेश वाटर को हमको क्या करना पड़ता है? प्योरिफाई करना पड़ता है और पोर्टेबल बनाना पड़ता है होम्स में और दूसरी जगहों में भेजने से पहले. यानी कि हम लोग अगर पानी को, वाटर को अगर घर में भेजते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? उसको पहले पोर्टेबल बनाना पड़ता है. पोर्टेबल मतलब कि साफ बनाना पड़ता है. वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट नॉट टेस्ट, लुक और स्मेल बैड. यानी कि जो पानी हमको पीना है, जो पानी हमको ड्रिंक करना है, उसका टेस्ट, उसका लुक और उसकी स्मेल बैड यानी कि खराब नहीं होनी चाहिए. समटाइम्स क्लीन लुकिंग वाटर में ऑल्सो भी इन्फेक्टेड विद जर्म्स. कभी कभार क्या होता है कि पानी हमको फ्रेश दिख रहा है फिर भी उसमें अंदर जर्म्स हो सकते हैं. देयरफॉर वाटर फ्रॉम रिवर इज ट्रीटेड, मेड जर्म फ्री एंड इज सप्लाइड टू हाउसहोल्ड्स, होटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज थ्रू पाइपलाइंस. इसलिए रिवर से जो हमारा पानी आता है, रिवर इज ट्रीटेड, जो पानी रिवर से आता है उसको हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको जर्म फ्री बनाते हैं एंड देन सप्लाई टू, और फिर कहाँ सप्लाई करते हैं हम उसको? हाउस होल्ड, घरों में, होटल्स यानी कि होटल में सप्लाई करते हैं, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में. कैसे सप्लाई करते हैं? पाइप लाइन की हेल्प से. पतली पतली पाइप लाइन की हेल्प होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? जो हमारा रिवर वाटर होता है उसको प्रोसेस करके यानी कि रिवर वाटर को जर्म फ्री बना के हम लोग कहाँ पे भेजते हैं? हाउस होल्ड्स, होटल्स, स्कूल, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. एट होम वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय बॉइलिंग इट. घर पे हम लोग पानी को कैसे प्योरीफाई करते हैं? बॉइल करके. ओके, बॉइल यानी कि उबाल के. बॉइलिंग के जर्म्स एंड बॉइल्ड वाटर कैन बी यूज सेफली. बॉइलिंग से क्या होता है? जो भी पानी के अंदर जर्म्स होते हैं सब खत्म हो जाते हैं और फिर हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम बॉइलिंग देयर आर वाटर फिल्टर्स एंड आरओ अवेलेबल टू प्योरीफाई वाटर. ओके, बॉइलिंग के अलावा क्या है? वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एक तरीका क्या है? बॉइलिंग. और उसके अलावा क्या है कि जैसे हम वाटर फिल्टर्स यूज करते हैं, आरओ यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. सो वॉट इज नेक्स्ट टॉपिक? वाटर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई. यानी कि वाटर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई मतलब वाटर को हमको ट्रीट करना है, वाटर के अंदर जो भी जर्म्स है उसको हमको रिमूव करना है और फिर पानी को सप्लाई करना है. जैसे रिवर से पानी को हाउस होल्ड, होटल्स, सब प्लेसेस में क्या करना है? हमको सप्लाई करना है. इसमें क्या लिखा है? वॉट इज ट्रीटमेंट? फ्रेश वाटर इज ट्रीटेड एट ट्रीटमेंट प्लांट्स टू रिमूव जर्म्स, सॉइल एंड केमिकल इम्प्योरिटीज. फ्रेश वाटर को हम लोग कहाँ पे ट्रीट करते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट्स पे. ठीक है, क्या रिमूव करने के लिए? जर्म्स, सॉइल और केमिकल इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज है उस सबको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो फ्रेश वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर ट्रीट करते हैं. रीड थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट. वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है? देर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट. वॉट इज द फर्स्ट स्टेप? स्क्रीनिंग. So what is the meaning of screening? Screening का मतलब क्या होता है?
वॉटर फ्रॉम लेक और रिवर पासिस थ्रू अ स्क्रीन एज इट एंटर्स द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे ही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एंटर होता है तो क्या कहाँ से पास होता है, एक स्क्रीन की जाली टाइप में स्क्रीन होती है, उसके थ्रू जो वाटर है वो पास होता है। ओके, द स्क्रीन कीप्स आउट लार्ज कंटेमिनेंट्स सच एज प्लांट्स स्टिक्स एंड पेपर। तो जो भी लार्ज कंटेमिनेंट्स, इनकी लार्ज इंप्योरिटीज होती है, बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि प्लांट्स स्टिक्स पेपर, वो क्या होते हैं फिर उसमें रिमूव हो जाते हैं। जब ये वाटर स्क्रीन से पास होता है तो उसमें जो भी बिग इंप्योरिटीज लार्ज कंटेमिनेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है इंप्योरिटीज, जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती है जो दिखाई देती है, तो जैसे प्लांट्स स्टिक्स पेपर ये क्या होता है रिमूव हो जाते हैं जब भी ये पानी स्क्रीन से पास होता है। स्क्रीन में क्या होता है जो लार्ज कंटेमिनेंट्स है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कॉग्यूलेशन। कॉग्यूलेशन के अंदर क्या होता है, एलिमेंट अदर केमिकल्स आर एडेड टू वाटर, दिस कॉजेस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एलम को ऐड करते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर क्या ऐड करते हैं, इसमें वाटर के साथ क्या ऐड करते हैं एलम को, और दूसरे केमिकल्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, दिस कॉजेस टाइनी स्टिकी पार्टिकल्स कॉल्ड फ्लॉक टू फॉर्म। इससे क्या होता है, अगर वाटर में एलम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि टाइनी पार्टिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे स्टिकी पार्टिकल्स बनते हैं वाटर के अंदर, स्टिकी पार्टिकल्स बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लॉक। दे ड्रॉ डर्ट पार्टिकल्स मेकिंग देम हैवी इनफ टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर स्टोरेज टैंक। इससे क्या होता है कि जो डर्ट पार्टिकल होते हैं पानी के अंदर, जो भी डर्ट पार्टिकल है वो ये जो स्टिकी सब्सटेंस बनते हैं, स्टिकी जो ये बना है स्टिकी पार्टिकल्स बनते हैं, उससे ये जो वाटर के अंदर जो भी डर्ट पार्टिकल्स है क्या होते हैं स्टिकी सब्सटेंस से आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो डर्ट सब्सटेंस में क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम वाटर में एलम ऐड करते हैं तो स्टिकी सब्सटेंस स्टिकी पार्टिकल्स बनते हैं, चिपचिपे पार्टिकल्स बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लॉक। और फिर जब भी इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी इसमें इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो इस फ्लॉक्स के चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, स्टिकी सब्सटेंस फ्लॉक के। ठीक है, दे ड्रॉप डर्ट पार्टिकल्स मेकिंग देम हैवी इनफ टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर स्टोरेज टैंक। तो इससे क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इस फ्लॉक वाले पार्टिकल्स से चिपक गए हैं, तो वो पार्टिकल्स में क्या होते हैं हैवी हो जाते हैं, और वाटर के नीचे जैसे कि ये वाटर है नीचे नीचे क्या होते हैं हैवी पार्टिकल्स जो है इम्प्योरिटीज वाले वो इधर बॉटम में आके आ जाते हैं। ठीक है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट द वाटर एंड द फ्लॉक फ्लो इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। जो पानी था और जो फ्लॉक था उसको हम कहां पे मूव करवाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। द हैवी फ्लॉक सेटल्स एट द बॉटम वेयर इट रिमेन्स अंटिल रिमूवल। ओके, तो जो हैवी फ्लॉक है जो हमको बना था, जो हैवी फ्लॉक जो है जो बॉटम में सेटल हुआ है, उसको हम क्या करते हैं उसको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कराते, उसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते, और वो जो है वो बॉटम में पूरी तरह से सेटल हो जाता है इस प्रोसेस में। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर डालते हैं जो फ्लॉक वाला पानी है, तो फिर ये जो पानी है क्या होता है इसको हम बिना छेड़खानी करें फ्लॉक वाला जो पार्टिकल्स के नीचे डस्ट पार्टिकल के साथ ऐड होके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। पानी को स्टेन नहीं करते, गाते नहीं है, ऐसे कैसे रखेंगे।
नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन। द वॉटर पासिस थ्रू लेयर ऑफ ग्रेवल। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? द वॉटर पासिस थ्रू लेयर्स ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड पॉसिबली चारकोल विच फिल्टर आउट एनी रिमेनिंग पार्टिकल्स। मतलब कि हम लोग एक ऐसा सेटअप करते हैं जिसके अंदर क्या क्या होता है? ग्रेवल होता है, सैंड होता है और चारकोल होता है। एक ऐसे सेटअप बनाते हैं जिसके अंदर ग्रेवल, सैंड और चारकोल होता है। उसमें हमारा जो सेडिमेंटेशन से पानी आ रहा है उसको हम फिल्ट्रेशन वाली लेयर में पास करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, जो स्मॉल स्मॉल इम्प्योरिटीज है, जो हमको दिखाई नहीं होती। सो आफ्टर सेडिमेंटेशन व्हाट वी डू? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी ग्रेवल, सैंड और चारकोल का यूज करते हैं, ग्रेवल, सैंड और चारकोल इसके अंदर मिक्स करते हैं और सेडिमेंटेशन में जो वाटर आया है उसको हम फिल्ट्रेशन वाली लेयर में लेके जाते हैं। तो जो भी स्मॉल इम्प्योरिटीज होती है वो भी इससे रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? जो भी डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, उसको हम उस फिल्ट्रेशन वाले वाटर से मिक्स करते हैं, तो जो भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसमें से रिमूव हो जाते हैं। स्मॉल इम्प्योरिटीज भी उसमें से रिमूव हो जाती है, तो वाटर हमारा रेडी हो जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन होम्स, होटल्स एंड ऑल अदर प्लेसेस। सो वाटर को ट्रीटमेंट करने की, वाटर को प्योरीफाई करने की 5 स्टेप्स हैं: स्क्रीनिंग, कॉग्निशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। स्क्रीनिंग में हमने क्या देखा कि वाटर स्क्रीन के थ्रू पास होता है, जो भी बिग पार्टिकल्स हैं जिसमें से रिमूव हो जाते हैं। कॉग्निशन के और वाटर के साथ एलम को ऐड करते हैं जिससे कि स्टिकी सब्सटेंस बनते हैं, स्टिकी पार्टिकल्स बनते हैं। वाटर की जो भी इम्प्योरिटीज होती है स्टिकी पार्टिकल्स से आके स्टिक हो जाती है, और फिर जो ये स्टिकी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं उनके साथ में इम्प्योरिटीज को लेके सेडिमेंटेशन के अंदर। और फिर हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन में ग्रेवल, सैंड और चारकोल का यूज़ करते हैं वाटर से स्मॉल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। और फिर डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? क्लोरीन का यूज़ करते हैं स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए। देन वाटर इज रेडी फॉर अवर यूज। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर स्टोरेज, यानी कि वाटर को स्टोर कहाँ पे करते हैं, वाटर को कहाँ पे हम रखते हैं। वी स्टोर वाटर टू यूज इट लेटर, यानी कि हम क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। वाटर कैन बी स्टोर इन थिंग्स लाइक वाटर टैंक्स, टब्स, बकेट्स, जग्स एंड पॉट्स एट होम। वाटर को हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे रख सकते हैं? वाटर टैंक्स के अंदर, टब्स के अंदर, टब के अंदर हम पानी रखते हैं, बकेट के अंदर भी रख सकते हैं, जग के अंदर भी पानी हम लोग रख सकते हैं, पॉट्स के अंदर, मटकों के अंदर भी हम पानी रख सकते हैं घर के अंदर। वेन वी ड्रेन अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम अवर होम्स, स्कूल्स एंड पार्क्स रन्स इनटू ड्रेन्स एंड बिकम यूजलेस। जब भी रेन होती है, जब भी बरसात होती है, तो बहुत सारा पानी जो है वो हमारे होम्स, स्कूल, पार्क में से निकल के कहाँ पर चला जाता है? ड्रेन, यानी कि नालियों के अंदर चला जाता है पानी, और वो पानी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। जो भी रेनफॉल हो रही है तो उससे जो पानी है वो ड्रेन्स के अंदर चला जाता है, पानी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। दिस रेन वाटर कैन बी सेव्ड बाय लेटिंग इट फ्लो इनटू अंडरग्राउंड टैंक्स एंड पिट्स। जैसे रेन हुई तो अगर पानी डायरेक्ट रेन का पानी जो है अगर ड्रेन्स के अंदर जाता है, ड्रेन्स के अंदर जाएगा तो उसका कोई यूज नहीं होगा, वो पानी यूजलेस हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? जो रेन वाटर है इसको हम क्या बना सकते हैं? हम लोग वी कैन मेक अंडरग्राउंड टैंक और पिट्स, यानी कि जैसे कि हमने अंडरग्राउंड टैंक, जैसे जमीन के नीचे हम लोग क्या किया, टैंक बना दिया, तो फिर क्या होगा? वाटर इसके अंदर, रेन वाटर इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और पानी ड्रेन्स के अंदर भी जाएगा, तो पानी क्या होगा? वेस्ट नहीं होगा। ओके, दिस कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने क्या किया, ये जो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर रेन वाटर को कलेक्ट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
लेटर दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड वॉशिंग कार। ये वाला पानी हम बाद में काफ़ी यूज कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए, कार को वॉश करने के लिए। वी मेक ऑल्सो मेक रिजर्वायर कैनाल एंड डैम टू स्टोर वाटर ऑन अ लार्ज स्केल फॉर लेटर यूज। हम लोग क्या करते हैं रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर मतलब कि ऐसी स्पेस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग पानी को इकट्ठा कर सकें, रिजर्व कर सकें पानी को। कैनाल्स डैम, जैसे डैम क्या है रिजर्वायर है, डैम में हम क्या करते हैं पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो उसका फिर डैम से हम क्या करते हैं पानी को, बाद में जब भी पानी की कमी होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। डैम रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, दिस वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर। ठीक है, जैसे कि रिवर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका और इस डैम को जो वाटर कलेक्ट होता है रिजर्वायर। कैनाल इज डाइवर्ट रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। और हमें प्रीवियस चैप्टर में भी वी हैव टू स्टडी दैट जो कैनाल्स होती है वो क्या करती है रिवर वाटर को डाइवर्ट करती है। रिवर वाटर जो हो रहा है कैनाल्स का तरीके से वो उसे डाइवर्ट करके और फिर इरीगेशन पर्पज, इरीगेशन यानी कि जो भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो हम पानी डालते हैं क्रॉप्स के ऊपर उसके लिए हम कैनाल्स को यूज़ कर सकते हैं। कैनाल्स से संबंधित रिवर्स को हम जो है बहुत सारे अलग